guys, myself Sakshi, I am student of 10th class. I am presenting digestive system. So first is mouth. हमारे mouth में एक bical cavity होती है bical cavity होती है या हम बोलते हैं, ठीक है। Second, हमारे मुंह में एक salivary gland होती है जो food खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। और फिर वो हमारे फूड पाइप से स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट HCL, सेकंड पेप्सिन, थर्ड म्यूकस। HCL को हम हाइड्रोक्लोराइड एसिड बोलते हैं, और वो हाइड्रोक्लोराइड एसिड फूड को एसिड में चेंज करने का काम करती है। और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो म्यूकस होता है, हमारे स्टमक में एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता है कि एसिड हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो वो हमारे स्टमक में हार्म क्यों नहीं करता? वो हमारे स्टमक में हार्म इसलिए नहीं करता क्योंकि जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए वो हमें हार्म नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लीवर। लीवर में एक एक जूस प्रोड्यूस करता है, बायर जूस कहते हैं हम उसे, ठीक है। और वो हमारे दो टाइप के वो होती हैं, जूस होती है, एक ट्रैप्सिन और एक लाइकिया। ट्रैप्सिन का काम बिल्कुल पेप्सिन की तरह होता है, वो भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और लाइकिया का काम होता है, वो जो फैटी वो होता है, फैट्स होता है, उसको फैटी एसिड में चेंज करने का काम करता है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 6 मीटर का होता है, और इसमें एक वैल्यू होती है, ठीक है। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जो हमारा 1.6 मीटर का होता है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा बड़ी होती है, और ये हमें हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद हमारा एनस आता है, वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।